फ्रेंड्स, मैं हूं सुप्रिया और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक ब्रेड की रेसिपी, कहें चॉकलेट ब्रेड या स्टार ब्रेड बोलते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहां पे मेरे पास है मैदा 4 कप, 4 कप मैदा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून शुगर, 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल, आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टी स्पून ईस्ट, 1.5 कप है वार्म मिल्क, मिल्क थोड़ा सा गुनगुना है, और स्प्रेड करने के लिए मेरे पास है इधर चॉकलेट और हेज़लनट का स्प्रेड, आप चाहें तो इसकी जगह न्यूटेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने सारे मेजरमेंट्स इस चाय के कप से किया है। तो चलिए देखते हैं, मैं इसके लिए के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मैदे में हम डालेंगे नमक, चीनी, ईस्ट, इसको एक बार मिला लेंगे अच्छे से। आधा तेल डालेंगे अभी इसमें, थोड़ा सा बचा के रखेंगे लास्ट में। अब दूध लेंगे, तो हम इसका आटा गूंद लेंगे दूध की सहायता से, सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लेंगे हम इसका। थोड़ा थर करके दूध डालेंगे, ये देखिए हमारा सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार हो चुका है। इसको मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है। अब बाकी का तेल भी हम इसमें डाल देंगे और इसको और 4-5 मिनट हम अच्छे से गूंदेंगे। ये देखिए हमारा आटा एकदम से सॉफ्ट हो चुका है, मैंने इसको 4-5 मिनट के लिए और गून लिया था अच्छे से। देखिए आप कितना स्मूथ है, हम इसको दबाएंगे तो वापस आ जाएगा ये। हम इसको अच्छे से क्लीन करके इसमें रख देंगे बॉल में और इसको हम ढक देंगे, और ढक कर इसको हम 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही किसी वार्म जगह पर छोड़ दीजिए 1-1.5 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसका बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा आटा कितना फूल चुका है, आप देख सकते हैं ये कैसे इलास्टिक जैसे हो गया। इसको हम पंच करके बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर सूखा मैदा डस्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको हम इक्वल 4 भाग में काटेंगे। अब इन सभी को हम गोल गोल रोटियां बना लेंगे। सूखा मैदा डस्ट करके उसको हम रोटियां जैसे बेल लेंगे। ये देखिए हमारी रोटी बेल चुकी है, हम इसको साइड कर लेते हैं और सभी आटों को ऐसे हम रोटियां बना लेंगे। 4 रोटियां बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी के प्रोसेस करेंगे। ये देखिए हमने 4 रोटियां बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, ओवन का कांच कट रहे हैं, हम इसी में आज बेक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर,
इसके ऊपर हम मैदा डस्ट कर देते हैं। अब इसके ऊपर बारी बारी ये रोटियां रखेंगे। एक रोटी हमने रख दी है, अब इसके ऊपर हम ये चॉकलेट का स्प्रेड लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया। इसको हम किनारे से थोड़ा अंदर ही रखेंगे, पूरा किनारे तक नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। अब इसके ऊपर भी हम चॉकलेट को स्प्रेड करेंगे। इसी तरह से हम इसके ऊपर तीसरी रोटी रखेंगे। और फिर हम इसके ऊपर भी चॉकलेट को स्प्रेड कर देते हैं। इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए हमने इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अब इसके ऊपर हम ये अपनी चौथी रोटी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट को हम इसके ऊपर सेंटर में रखेंगे। एक नाइफ से हम इसके किनारों को, एक्सेस जो मैदा है इसको हम काट के हटा देते हैं। इसको हम साइड में रख लेंगे। एक बॉल लेंगे शीशा का, कांच का, और इसको हम सेंटर में रखेंगे। अब नाइफ से हम इसको चार भागों में काट देंगे। फिर इसके सेंटर में कट लगाएंगे। अब जो रह गया इसके सब के सेंटर में, बीच में भी कट लगाएंगे। इसको भी हम कट कर लेंगे। हमने सबको काट लिया। अब हम क्या करेंगे, दो ऐसे उठाएंगे, दो पोर्शन ऐसे उठाएंगे। इसको हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे दो बार। इसको ऐसे रखेंगे, फिर इसको साइड में लेंगे, दोनों को लेंगे, फिर इसको ट्विस्ट करेंगे दो बार। इसको रखेंगे ऐसे करके, हम सारे को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं।
अंदर डालेंगे, ऊपर फिर आपको बाहर की तरफ से देंगे। डाल देते हैं तो बंद कर देते हैं। ये देखिए 20 मिनट के ऊपर हम सेलेक्ट करके इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब 20 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ब्रेड अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी बनाइए, अभी गर्म है, ठंडा होगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।